शहजाद पूनावाला जी कह रहे हैं कि एमएसपी तो 2010 में आपके कृषि राज्य मंत्री ने कहा कि लागू नहीं कर सकते हैं। हमने गलती करी, हम बहुत इसमें बहस में नहीं पड़ते। ऐसा है विशाल भाई, आप लोग जो ये टीवी की गिमिक्स खेलते हैं ना, इसको खेलना बंद कीजिए। राजमन मोहन जी भी मानेंगे गलती हुई उनसे। क्यों आप क्यों सोनिया जी, राहुल जी और मनमोहन सिंह जी का नाम ले रहे हैं भाई? यही तो मैं कह रहा हूं। इन्होंने कहा कि सोनिया जी, राहुल जी, मनमोहन जी से क्यों पूछते हैं? इसको जूम कीजिए। मनमोहन सिंह का ऑफिशियल बयान हिंदू में, और इसने बाजी बैठी कि मनमोहन सिंह ने कहा कि मनमोहन सिंह ने कहा एमएसपी के बढ़ाने से इन्फ्लेशन आता है। अब बोले सुरेंद्र जाटपुर जी, क्या ये गलती थी आपकी? माफी मांगे गलती के लिए, माफी मांगे इस गलती के लिए। आप पे हिम्मत है, हैसियत है, हौसला है, तो बताइए नरेंद्र मोदी एमएसपी देना चाहते हैं या नहीं? भारतीय जनता पार्टी वाले लोग और चैनल झूठ बोल रहे हैं। लागू नहीं है केरला में, केरला में क्यों लागू नहीं है एपीएमसी? बताइए एपीएमसी केरला में क्यों लागू नहीं है? आज की वीडियो बहुत शानदार होने वाली है। आज की वीडियो में शहजाद पूनावाला ने सुरेंद्र राजपूत को बड़े अच्छे से धो डाला, क्योंकि जब शहजाद पूनावाला ने मनमोहन सिंह का पुराना डिबेट इनको निकाल के क्या दिखा दिया, तो सुरेंद्र राजपूत जी डिबेट में ही भड़क उठे, क्योंकि डिबेट चल रही थी एएमसी एसपी के ऊपर और डिबेट के दौरान सब सुरेंद्र राजपूत जी को झूठे वादे कर रहे थे। इस पर शहजाद पूनावाला ने बड़े अच्छे से इनको धो डाला। तो आज की डिबेट बहुत शानदार और मजेदार होने वाली है, तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए, और अगर आप चैनल में नए आए हो तो एक सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सुरेंद्र राजपूत जी, जो सवाल मैंने कंचना जी से पूछा वही सवाल आपसे, कि राहुल जी ने जब अपनी इस बार भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू की तो सबसे पहले मिलिंद देवड़ा छोड़कर जाते हैं, बंगाल में आते हैं तो ममता दीदी कह देती है हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, बिहार में आते हैं नीतीश कुमार अलग हो जाते हैं, यूपी में अभी तक अखिलेश यादव दिखाई नहीं दे रहे हैं, और भी नेता आपके छोड़कर जा रहे हैं। जब आप अपने मुद्दों को अपने सहयोगी दलों को अपने नेताओं को नहीं समझा पा रहे तो जनता को कैसे समझाएंगे? ये लोग साथ क्यों छोड़ रहे हैं? अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। दो तीन चीजें बड़ी स्पष्ट है, मैंने तो इसका जवाब पहले भी आपको दिया और आगे फिर देता हूं कि आज की डेट में हमारे पास देने के लिए अपने साथियों को संघर्ष है, सत्ता नहीं। जो लोग सत्ता के बगैर नहीं रह सकते हैं वो लोग गए, और जो लोग राहुल गांधी के सिपाही हैं, कांग्रेस के सिपाही हैं, इंडिया गठबंधन के सिपाही हैं, जिनका काम संघर्ष है वो संघर्ष करेंगे, और आज की डेट में जो लोग पर्सनालिटी क्लाउट की वजह से चुनाव जीतना चाहते हैं वो नरेंद्र मोदी जी के पास जा रहे हैं, और जो लोग मुद्दों पर बात करना चाहते हैं आपको लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पर्सनालिटी, आप बीच में आप बोल देते हैं। नहीं नहीं, मैं आपको पूरा मौका दे रहा हूं सुरेंद्र जी, आपको सवाल देते हैं कि हमारे नहीं नहीं मौका देने का मतलब ये नहीं होता है कि आधे 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 में नहीं राजपूत जी, आपको मैं पूरा मौका दे रहा हूं खत्म कर दे ताकि हम अपनी पूरी बात ना कह पाए। ये सुरेंद्र जी, आप पूरी बात रखिए, आप पूरी बात रखिए, सम्मान के साथ रखिए। मैं एक छोटा सा उसमें एड ऑन कर रहा हूं कि आप कह रहे हैं पर्सनालिटी क्लाउड के सहारे जो लोग जीतना चाहते हैं वो लोग मोदी जी के साथ जाना चाह रहे हैं। सवाल पूछा उसका नहीं, आपने जो जवाब दिया उसमें से जो एक चीज निकल कर आ रही मैं वही आपसे पूछ रहा हूं, अपनी बात पूरी करिएगा। आप ये कह रहे हैं कि पर्सनालिटी क्लाउड की वजह से लोग मोदी जी के साथ जा रहे हैं, तो क्या आप ये मानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो पर्सनालिटी है उसमें काफी इजाफा इसलिए लोग जा रहे हैं? ये सत्ता समर्थक मीडिया ने ना एक काम कर दिया, जिसको मेन स्ट्रीम मीडिया में सत्ता समर्थक मीडिया है, उन्होंने एक भ्रम पैदा कर दिया मोदी जी के पर्सनालिटी क्लाउड का, उसी से प्रभावित होकर के सत्ता समर्थक मीडिया का क्लाउड है जिससे प्रभावित होकर के जो लोग हैं वो जाते हैं। जो लोग मुद्दे की बात करते हैं उनके पास मुद्दे हैं। आज की डेट में क्या ये सच नहीं है कि किसान सड़क पर बैठा है? आज की डेट में क्या ये सच नहीं किसान की आय दुगनी नहीं हुई है? क्या आज की डेट में सच नहीं है कि हमारे समय में 50 रुपए डीजल था, आज की डेट में 100 रुपए डीजल है किसान के लिए? क्या आज ये सच नहीं है कि हमारे जमाने में 50 रुपए 50 किलो का यूरिया का कट्टा होता था, आज की डेट में 45 रुपए का है? आज की डेट में क्या ये सच नहीं है कि सारे खाद जो किसान को मिलते थे वो दुगने दाम पे हो गए, लेकिन उसकी फसल की कीमत जो है मात्र 35 रुपए क्विंटल बढ़ी है? रुको जरा, सब्र करो, बोला धक्का मुक्की नहीं करने। किसानों की बात करने का अधिकार सुरेंद्र राजपूत जी, जो एमएसपी पर जो रिकमेंडेशन था 2010 में केवी थॉमस ने कहा था हम इसको लागू नहीं करेंगे, स्वामीनाथन रिपोर्ट आई थी 2006 में, 14 तक लागू नहीं किया, मोदी जी ने लागू किया, स्वामीनाथन जी ने कहा धन्यवाद मोदी जी आपने सारी चीजों को लागू किया। उसके अलावा आज 2.5 लाख करोड़ से ज्यादा किसान सम्मान निधि, आपने 25,000 करोड़ बजट रखा था एग्रीकल्चर का, 1,25,000 करोड़ बजट हमने किया, हमने जिस प्रकार से किसानों को एमएसपी बढ़ाकर 3 लाख करोड़ दिया था गेहूं और धान पर हम प्लीज कंप्लीट करेंगे, आज 11 लाख करोड़ दिया गया, केवल दो क्रॉप्स की बता रहा हूं। तो इसीलिए आपको इन बातों पर बोलने का कोई अधिकार नहीं है, परंतु मुझे बताइए आपके मुद्दे क्या थे? आपके मुद्दे होते सनातन को उजाड़ देना, आपके मुद्दे होते विभाजन करना और नॉर्थ इंडियन को गाली देना जो डीएमके के नेता देते हैं, आपके मुद्दे होते ओबीसी और जातियों में बांटना और बांटने का काम करते हैं, तो ओबीसी को प्रतिनिधित्व तो कहां दिया आपने? राज्य के चुनाव में जब चुनाव हुए तो रेवंत रेड्डी को क्यों बना दिया? दलित एमएसपी पर आपकी राय क्या है?
एमएसपी पर मेरी राय कतई ये नहीं है जो मनमोहन सिंह और रघुराम राजन की थी कि एमएसपी से इन्फ्लेशन बढ़ता है, चेक कर लीजिए उन्होंने कहा था। एमएसपी पर राय हमारी ये है कि हमने जिस प्रकार से एमएसपी हर क्रॉप पर जिस पर दी जाती है उस पर लगातार बढ़ा है। मैं आपको बार बार एग्जांपल दे रहा हूं, गेहूं और चावल उसमें 11 लाख करोड़ से अधिक का एमएसपी हमारी सरकार में दिया गया, इन्होंने 3 लाख करोड़ दिया था। इनसे पूछे कि एमएस स्वामीनाथन की रिपोर्ट 2006 में आई थी क्यों नहीं दिया, और इसीलिए मैं आपको कहता हूं, देखिए एक 10 सेकंड एम फॉर मंदिर एल के अडवाणी को भारत रत्न मिला, एम फॉर मिलेट स्वामीनाथन जी को मिला, एम फॉर मंडी चौधरी चरण सिंह जी को मिला, एम फॉर मार्केट नरसिम्हा राव जी को मिला, और एम फॉर मंडल कर्पूरी ठाकुर जी को मिला। कर्पूरी ठाकुर तक को आपने सम्मानित नहीं किया और फिर भी कंचना यादव जी आपने हमारा विरोध किया, और जिन लोगों ने कर्पूरी ठाकुर जी को कड़ी सम्मानित किया उनके साथ आप बैठे हैं। शहजाद पूनावाला जी कह रहे हैं कि एमएसपी तो 2010 में आपके कृषि राज्य मंत्री ने कहा कि लागू नहीं कर सकते हैं। हमने गलती करी, हम बहुत इस पे बहस में नहीं पड़ते। आप गलती स्वीकार कर रहे हैं कि पहले नहीं समझ में आई, अब हमारे समझ में आ गए? हाँ बिल्कुल स्वीकार कर रहे हैं। अच्छा। हम तो कहते हैं कि अब आप मानते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह ने, सोनिया गांधी ने, राहुल गांधी ने गलती की एमएसपी लागू ना करके? मैं फिर से कहता हूं कि 2010-11 में हमको एमएसपी लागू कर देने, हमने एक कमेटी बनाई थी। ऐसा है विशाल भाई, आप लोग जो ये टीवी की गिमिक्स खेलते हैं ना, इसको खेलना बंद कीजिए। सुरेंद्र राजपूत जी, आप किसान के मन की आह जो है वो सबको जो है, अरे हम तो जो कह रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कि हाँ हमने कमेटी कर देनी चाहिए थी, ये तो हम कह ही रहे हैं। हाँ बिल्कुल कह रहा हूँ, क्यों मैं कह रहा हूँ तो क्या मैं कोई कुछ नहीं हूँ? नहीं तो आप, आपको सारी चीजें आपसे कहेंगे? नहीं नहीं, सुभाष चंद्रा आके कहेंगे क्या? सुरेंद्र राजपूत जी देखिए, ऐसी बातें करते हैं, इस तरह की बात मत करिए। अगर सुरेंद्र राजपूत कह रहा है, नहीं सुरेंद्र राजपूत कह रहा है तो कांग्रेस का मतलब आपकी बात मान रहा हूँ। आप मीडिया पर हमला करके इस तरह से क्यों इस तरह की आप बात कर रहे हैं? आप मीडिया पर हमला नहीं कर रहे हैं, आप कर रहे हैं कोई हमला? मैं आपकी बात, कोई हमला मीडिया पर नहीं कर रहे, मैं बहुत सम्मान से हमला करवा रही है, मैं बहुत सम्मान के साथ आपकी ही बात को आपसे पूछ रहा हूँ। मैंने कोई अपनी तरफ से कोई चीज एड ऑन नहीं किया है, लेकिन आप पहले से ये मन बना कर आए कि आपको बोलना है तो आप बोलिए। आप बार बार नहीं भाई, 2010 में आपके कृषि राज्य मंत्री ने कहा कि हम इसको लागू नहीं कर पाएंगे, स्वामीनाथन आयोग की जो रिपोर्ट थी, आप कह रहे हैं गलती हुई। मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या सोनिया जी, राहुल जी, मनमोहन जी भी ये मानेंगे गलती हुई उनसे? क्यों आप क्यों सोनिया जी, राहुल जी और मनमोहन सिंह जी का नाम ले रहे हैं भाई? यही तो मैं कह रहा हूं, अगर मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूं, आपकी पार्टी के नेता हैं। इन्होंने कहा कि सोनिया जी, राहुल जी, मनमोहन जी से क्यों पूछते हैं? इसको जूम कीजिए, मनमोहन सिंह का ऑफिशियल बयान हिंदू में रिकॉर्डेड, हायर एमएसपी लेड टू प्राइस राइज, ये गूगल भाई, इसको जूम कीजिए, देखिए शहजादी तो किसी अन्य चैनल की रिपोर्ट नहीं, यहां पर हिंदू की रिपोर्ट है भाई, प्लीज उनका मजी का भी रिपोर्ट निकाल देता हूं, प्लीज इसको खारिज मत कीजिए। नहीं मैं खारिज कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं विशाल जी मेरी बात सुनिए, मूल क्या है कि आपने, इन्होंने पूछा कि मनमोहन सिंह को काहे ला रहे हैं उसमें, मनमोहन सिंह ने कहा था कि ज्यादा एमएसपी देने से इन्फ्लेशन होता है, जी का भी रिपोर्ट आप निकाल दीजिए, मैं अभी 10 सेकंड में निकाल के दे दूंगा। इसीलिए यह सवाल महत्वपूर्ण है, अगर विशाल पूछता है कि मनमोहन सिंह क्या माफी मांगेंगे, ये इसलिए महत्वपूर्ण है। मुझे विशाल का माउथपीस बनने की आवश्यकता नहीं है, परंतु विशाल जी का सवाल इसलिए वाजिब है क्योंकि मनमोहन सिंह ने कहा कि एमएसपी के बढ़ाने से इन्फ्लेशन आता है। अब बोले सुरेंद्र राजपूत जी, क्या ये गलती थी आपकी? माफी मांगे गलती के लिए, माफी मांगे इस गलती के लिए। सुरेंद्र राजपूत जी, सहजाद पैर पूरा वाला, अगर आप में हिम्मत है, हैसियत है, हौसला है तो बताइए नरेंद्र मोदी एमएसपी देना चाहते हैं या नहीं? एमएसपी दे रहे हैं, आपसे अधिक दे रहे हैं और हम देते रहे हैं, और आपकी तरह हमने धोखा नहीं किया किसानों के साथ, हमने किसानों को एमएसपी नहीं, हमने किसानों को सम्मान निधि दी, हमने किसानों को एग्रीकल्चर बजट बढ़ा कर दिया, हमने किसानों को एग्रीकल्चर क्रेडिट बढ़ा कर दिया, हमने किसानों के लिए एमएसपी की जो कमेटी की रिपोर्ट थी वो लागू की, हमने किसानों का दर्द देखा है सुरेंद्र राजपूत जी, हमने मखौल नहीं उड़ा उनका। भारतीय जनता पार्टी वाले लोग और चैनल झूठ बोल रहे हैं कि एमएसपी की कानूनी गारंटी उन्होंने दी। सुरेंद्र जी झूठ बोल रहे हैं, एमएसपी कितने करोड़ से मिलती है? वैसे पहले बता दीजिए कितने एक सेकंड सुरेंद्र जी, चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, चिल्ला चिल्ली वाली डिबेट नहीं है, नुक्कड़ सभा नहीं है, आप मुझे एक बात बता दीजिए, एक सेकंड सुरेंद्र जी, मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, एमएसपी कितने नरेंद्र मोदी की एमएसपी चीखने से क्या होगा भाई? नुक्कड़ की सभा थोड़ी चल रही है, चीखना मुझे भी आता है सुरेंद्र जी, हम एक दूसरे का सम्मान करते हैं, सम्मान से मैं आपको सवाल पूछूंगा कि एमएसपी इन्फ्लेशन बढ़ाता है, इसका जवाब दीजिए, क्या ये सही था? तो मनमोहन सिंह के सवाल पर कोई जवाब नहीं देना, पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं सुरेंद्र राजपूत जी, आज की तारीख में कितने क्रॉप्स पर एमएसपी मिलता है, जरा एक बार वो बताइए। खैर चलिए, मैं अभी मैं सुरेंद्र राजपूत पूछे, उससे पता भी नहीं होगा इनको, 23 क्रॉप्स पर मिलता है तो अच्छी बात है, तो बाकी मुझे बताइए, नहीं मुझे आप बताइए कि क्या आप लोग, नहीं आप बताइए मुझे कि क्या केले पे मिलना चाहिए? आपको पता है केरला में एमएसपी नहीं मिलता है? आपको पता है कि आपकी जो सरकार थी केरला में, वहां पर एमएसपी नहीं मिलता है, वहां पर मंडी नहीं है, वहां पर एपीएमसी लागू नहीं है? आज मुझे बताइए एमएसपी वहां पर लागू क्यों नहीं है? एपीएमसी नहीं है केरला में, बताइए क्यों नहीं लागू है? किसान क्यों लागू नहीं है केरला में?
केरला में क्यों लागू नहीं है एपीएमसी? बताइए एपीएमसी केरला में क्यों लागू नहीं है? चलिए मैं जवाब बताइए शहजाद जी, मैं जवाब लेने दीजिए। बताइए केरला में क्यों लागू नहीं है? आपको पता है केरला में नहीं है एमएसपी? एपीएमसी लागू नहीं, बताइए उनसे क्यों नहीं है? मैं जवाब लेता हूं सुरेंद्र राजपूत जी, केरला में एपीएमसी है क्या? बताता हूं भाई जी। हां अरे बता देता हूं, नहीं हां बताइए, सुन तो लो, जवाब तो सुन लो मेरे भाई। बताओ बताओ। मूल रूप से जो फसल मसालों की होती है उनका एक बोर्ड बना होता है, उस बोर्ड के जरिए वो चीजें बिकती हैं। अच्छा। उन चीजों की बोली लगती है। अच्छा। इस वजह से वहां एमएसपी नहीं लागू होती। केरल में तो एमएसपी नहीं है, पूरे देश में एमएसपी के कानून के लिए लग पड़े भाई। अपने वायनाड में पहले एमएसपी दिलवा दो। चलिए चलिए चलिए, मैं फिर आता हूँ। वाजपेयी जी, कंचना यादव जी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। वाजपेयी जी, भाजपा के ऊपर और शहजाद पूनावाला के ऊपर लोग हंस रहे हैं। सुरेंद्र जी, आप पर हंस रहे हैं कि केरल में एमएसपी का नामो निशान है, मंडी का नामो निशान है और पूरे देश का ध्यान दे रहे हैं।